बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की विजन को दाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे शोबे का वजीर बनाया इस नज़र के साथ कि एक अगर छोटा ख़ानदान होगा तो वो खुशहाल भी होगा, और जब आपका ख़ानदान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छी सेहत हासिल कर सकें तो आप हमारे साथ ताबुन करें। हमारा ये जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है ये दिन रात आपके लिए काम करने के लिए और आपके साथ ताबुन का मुकम्मल तौर पर मौजूद है। हमने इसके लिए टोल फ्री लाइन भी बनाई है, अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर लें। हमारे वहाँ एक्सपर्ट सुबह से शाम तक मौजूद होंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम आबादी को कंट्रोल कर सकें जिस तरह बांग्लादेश और ईरान ने कंट्रोल किया। आप देखें, बांग्लादेश हम सारी ज़िंदगी सुनते रहे हैं कि आबादी में हमसे हमेशा ज़्यादा रहा है, लेकिन उन्होंने ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जदीद असूलों को अपनाते हुए आज हमारा से आबादी में पीछे चले गए हैं। ईरान की जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का इस्लामिक मॉडल है, हमें उसे अपनाने की ज़रूरत है। मेरी उलमा इकराम से गुजारिश है कि वो अपने अपने खुतबों में जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग, वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएँ, क्योंकि हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ एक अच्छी खासी तादाद ना स्कूल जा रही है, एक अच्छी खासा तादाद जो है वो गुर्बती लकीर से नीचे गुजर रही है। लेकिन अगर हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के असूलों पर अमल करेंगे तो यकीनन जब ख़ानदान भी छोटा होगा तो बच्चों की बेहतरीन तरबियत भी होगी, बेहतरीन तालीम भी मिलेगी, सेहत का ख्याल रखा जाएगा, खुशहाल ख़ानदान बनेगा और खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। और मैं आज 14 अगस्त के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।